पहाड़ों पर बर्फ है ओले, कुछ राज्यों में आंधी तूफान, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा रुकी। एक्ट्रेस सोनम कपूर और बिजनेसमैन आनंद आहूजा सिख रीति रिवाज से बंधे शादी के बंधन में। पाक के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का दावा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत में अवैध तौर पर जमा किए 32,000 करोड़। फेस आईडी डिटेक्शन की शिकायत पर एप्पल बदलेगा आईफोन। आईसीएसई और आईएससी के 10वीं व प्लस टू के नतीजे 14 मई को। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बस ड्राइवर की लगी जबकि बस के उड़े पर खचे, फिर भी वह सीट पर सोता रहा। चीन के हांगकांग में जोहई मुकाउ 55 किलोमीटर लंबा समुद्री ब्रिज तैयार, दो पहिया वाहन व पैदल जाने पर बैन। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान ने पंजाब को 15 रन से हराया। पंजाब के बठिंडा में फौज भर्ती के लिए जिला रक्षा सेवाएं भलाई दफ्तर में कोचिंग की क्लासें 30 मई से शुरू। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पंजाब के बठिंडा के दो खिलाड़ियों ने जीते गोल्ड मेडल। आईओसी ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। स्नैचिंग छेड़छाड़ से परेशान सोनीपत की महिलाओं ने आत्मरक्षा के लिए बनाया लाठी गैंग। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं के परिणामों में लड़कियों ने फिर मारी बाजी। पंजाब के गांव फतेहगढ़ गहरी में जमीन के झगड़े में 100 लोगों का हमला, गोली से छात्रा की मौत।